हालेलुया। आए हमारी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के चरणों में जाए, उनकी सूरी में जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु आज मैं आपका बेटा बेटी आपके चरणों में आया हूँ, हम उससे मिलने आए प्यारो। कुछ पाना वो बाद में आता है प्यारो, सबसे प्रथम आता है उससे मिलना, उसको सुनना, उसकी आवाज़ को सुनना, उसको भेंट और धन्यवाद को अर्पण करना, वो पहले आता है। प्रभु से कहे प्रभु मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। जब पहले आप धार्मिकता की बातों की खोज करते हो, प्रभु को खोजते हो, बाकी की हर एक चीज जिसकी आपको आवश्यकता है वो अपने आप दे दी जाएगी। विश्वास रखिए, आज आप नहीं मांगोगे फिर भी आप चंगे होंगे। विश्वास रखिए, आप जो भी जरूरतों के साथ आए हो प्यारो, सिर्फ आप प्रभु को ऊंचा उठाए, प्रभु आपको ऊंचा उठाकर वो जरूरतों को पूरा करेगा। भले ही कितने भी बड़े बंधन आपके जीवन में परिवार में क्यों ना हो, शैतान के कोई भी काम आपके जीवनों के विरुद्ध क्यों ना हो, जब यीशु को उठाओगे वो अपने आप तोड़े जाएंगे प्यारो। यीशु को उठाना जरूरी है प्यारो। आज कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं आपको ऊंचा उठाना चाहता हूँ, आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। प्रभु आप हमें अनुग्रह दीजिए। आप जितने ऑनलाइन जुड़े हो प्यारो, एक डिसिप्लिन में बैठ जाइए प्यारो घर पर। प्लीज बार बार खड़े मत होना, क्योंकि भले आप घर में हो, आपके घर में भी प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु आपको देख रहा है। अगर सोते सोते देख रहे हो खड़े हो जाए प्यारो, अगर आराम से लेटे हुए हो खड़े हो जाए, आप किसी आम इंसान के आगे नहीं बैठे, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है प्यारो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कितने भी थके क्यों ना होंगे आप, लेकिन जब कोई बड़े आदमी के आगे खड़े होंगे, सांप के आगे खड़े होंगे, आप ऐसी मुद्रा में नहीं बैठोगे, लेट नहीं जाओगे, क्योंकि वो सांप है, ये तो सांपों का सांप है प्यारो, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आए सब कुछ भूले, बाजू पर रखे अपनी थकान को, जो भी है प्यारो वो साइड में रखे प्यारो। वो परमेश्वर को जो वो आदर के योग्य है वो आदर दे। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं आज आपको आदर देना चाहता हूँ, न सिर्फ मेरे मुख के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, आपकी बातों को सुनकर मैं आपका आदर करना चाहता हूँ। कुछ पाने की अपेक्षा बैठे प्यारो, क्योंकि ये समय है, प्रभु बहुत कुछ आपके जीवनों में करेगा प्यारो। अपने हृदय को खोल दे, अपने जीवनों को खोल दे प्यारो, जो भी अपने जीवनों में, घरों में, परिवारों में उसको आमंत्रित किए प्यारो, वो जीवनों को यीशु ने बदला है, वो जीवन आशीषित हुए है प्यारो। खोल दीजिए अपने हृदय को, बंद न करिए, कठोर मत बनिए। कहिए यीशु मैं मेरे दिल को खोलता हूँ, मैं मेरे जीवन को खोलता हूँ, मैं मेरे परिवार को तेरे आगे खुला रखता हूँ, तू जो चाहे तू मेरे जीवन में कर। और विश्वास रखिए प्यारो, आने वाले कुछ घंटे जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने जा रहे हो, वो बड़े आशीष का कारण बनेंगे आपके लिए, बड़े आशीष का कारण बनेंगे। विश्वास करते हो तो कहिए आमेन। छुटकारे का कारण बनेंगे, चंगाई का कारण बनेंगे प्यारो, नए द्वारों को खोलने का कारण बनेंगे, दुष्ट आत्माओं को हराने का कारण बनेंगे। कुछ पल जो आप प्रभु के चरणों में बिताने जा रहे हो, क्योंकि आप कोई मनुष्य से मिलने नहीं आए हो, आप जिंदा खुदावंद को मिलने आए हो प्यारो। परमेश्वर हम जो भी समय आपके चरणों में बिताने जा रहे हैं, इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप ही की इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, आप जो चाहते हो हमारे जीवनों में करिए, आप जो चाहते हो हमारे परिवारों में करिए प्रभु। हम आपके लिए हमारे जीवनों के द्वार खोल देते, हृदय के मन के द्वार खोल देते हैं। हम आपके लिए परमेश्वर इस जगह को खोलते हैं प्रभु, हमारे घरों को खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर, आप जो चाहते हो हमारे जीवनों में करिए परमेश्वर। इस समय को आप आशीष का कारण बनाइए,
जैसे हम आए हैं, जैसे हम आपकी हुजूरी में बैठे वैसे उठना नहीं चाहते प्रभु। हम कुछ पाकर जाना चाहते हैं, परिवर्तन लेकर जाना चाहते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस समय को आप आशीषित करिए। इस समय के विरुद्ध कारण हरेक शैतान के कामों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं, तोड़ डालते हैं, निष्फल करते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम में। हमारी ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से आप कबूल करिए प्यारे पिता, आमीन, हालेलुया। आए प्रभु को धन्यवाद। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रभु की आराधना करते हुए ये गाना हम गाना चाहते हैं। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू ही खुदा। प्रभु से कहे, प्रभु तेरे अलावा कोई भी और आदर के धन्यवाद के योग्य नहीं। आमीन। सिर्फ कहने के लिए नहीं, क्योंकि उसने ऐसे काम की है, हम आज उससे कहना चाहते, प्रभु तेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरे जीवन में इतने बड़े काम किए, और इसलिए मैं आपको आदर देता हूं। आमेन। आए प्रभु की आराधना करते हुए गाएं। योग्य नहीं प्यारो, वो एकमात्र यहोवा परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है, क्योंकि वो बेदाग और पवित्र है। वो पवित्रता में महिमावंत परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई पवित्र नहीं है प्यारो। आए उससे ऊंचा उठाए और गाए, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू ही यहोवा। कोई नहीं है बेड़ा कबीर, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू ही यहोवा। है प्यारो, वो सामान्य नाम नहीं है जो आपको मिला। आपके पास जो नाम है वो सामर्थी है,
हाथ उठा के कहिए, प्रभु मेरे पास जो नाम है वो कमजोर नाम नहीं है, वो ताकतवर नाम है। घड़ों को ढा देने की ताकत वो नाम में है, दुष्ट आत्माओं को भगाने की ताकत, रोगों से चंगाई पाने की ताकत, आशीष पाने की ताकत, पापों से निजात पाने की ताकत, उद्धार पाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में है। हालेलुया, हाथ उठाए और गाए, प्रभु तेरा नाम में आज उच्चा उठाता हूँ, क्योंकि आपका नाम सामर्थ्य नाम है। हालेलुया, गाए नाम यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु तेरे नाम में चंगाई, यीशु चंगाई तेरे नाम में है, चंगाई तेरे नाम में है, भलाई यीशु को धन्यवाद है। आपको कमजोर नाम नहीं मिला है, आपके पास जो नाम है वो सामर्थी नाम है, वो नाम में कमाल के काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा। हालेलुया, इन दिनों में मैं इतनी अद्भुत गवाहियां सुन रहा हूँ जो प्रभु इस चर्च में, इस सत्संग में कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी कर रहे हैं। हर संडे समय कम पड़ जाए। पिछले दिनों लास्ट वीक की मैं बात करता हूँ, एक परिवार में जाकर बैठा, इतनी सारी गवाहियां, पूरा 1 आवर तो मैंने सिर्फ गवाहियों को सुना है। हालेलुया, यीशु कमाल के काम कर रहा है। हालेलुया, हमारी चर्च की ही एक बहन जो यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके बहन प्रभु पर विश्वास नहीं करते, और उनके जीजा जी पंडित है, और उनकी छोटी बेटी पिछले दिनों में इतनी बीमार, इतनी सीरियस कंडीशन में कि वो आईसीयू में थी, और पता नहीं रिएक्शन था क्या था, इतनी खराब हालत,
कि वो बाहर ही नहीं आ पा रही थी। डॉक्टर ने हमें बता दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये रोग क्या है। ऐसा रोग कि उसकी चमड़ी ऐसे ऊपर करो तो टूटकर हाथ में आ जाए, इतनी खराब हालत। और ऐसे समय में हमारी विश्वासी बहन वहां गए और उनको सुसमाचार दिया और कहा पंडित साहब को बुला लीजिए, जो भी करना है वो कर दे, अगर फिर भी आपको लगता है मेरी जरूरत है, दुआ की जरूरत है, आप मुझे बताइए, मैं पास वालों को फोन करूंगी, हम दुआ करेंगे। प्यारो कोई कुछ नहीं कर पाया। लड़की आईसीयू में, छोटी बच्ची, आखिर में उन्होंने कहा फोन करें। उसकी माँ रो रही थी छोटी बच्ची की, क्योंकि कोई होप नहीं थी, आशा नहीं थी। तब उन्होंने फोन किया, ना ही उससे मिले, ना ही हॉस्पिटल गए, सिर्फ फोन पर बच्ची के लिए दुआ की गई। कुछ ही घंटों के अंदर बच्ची आईसीयू से बाहर थी, कुछ ही घंटों के अंदर एकदम नॉर्मल। हालेलुया, आज तो वो हस्ती खेलती अच्छे से जी रही है। और सबसे बड़ा आनंद मुझे तब हुआ जब वो बहन ने बताया वो छोटी बच्ची आज घुटनों के बल प्रभु से दुआ कर रही है। उसकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, छोटी चॉकलेट के लिए भी वो प्रभु से दुआ कर रही है। उसका विश्वास आज यीशु के ऊपर है, जिसने उसको बचाया, नया जीवन दिया। हालेलुया। इस संसार में जो डॉक्टर नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े पंडित नहीं कर पाते, वो कमाल के काम यीशु कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे महिमा देते हुए गाना गाए, मेरा यीशु है कमाल का। सिर्फ गाने के लिए नहीं, सच में वो परमेश्वर ऐसा है। ये सिर्फ हम एक आध गवाही आपको बता, क्योंकि टाइम नहीं होता प्यारो, लेकिन सच में प्रभु इतने बड़े काम इन दिनों में यहाँ पर कर रहा है, गजब की गवाही। आए उस कमाल के कामों के लिए उससे महिमा दे। चल
बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को पिशा आती उसकी आती यीशु ने किया मेरे और आपके लिए, स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया। हालेलुया, पापियों के बदले एक निष्पाप मारा गया, इससे बड़े कमाल का कोई काम नहीं है प्यारो, पापियों से प्रेम करना, उनके बदले अपना जीवन देना। हालेलुया, और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इस संसार में कोई नहीं है जो यीशु के जैसा कमाल का काम कर पाए, मुर्दों से जी उठकर बता दे। हालेलुया, मैं उसे महिमा देते हुए गाए मेरे लिए ही ही वो मारा गया मेरे लिए ही, सुलीब उठाया मेरे लिए ही, वो मारा गया मेरे लिए ही, वो सुलीब उठाया मेरे लिए ही, वो मारा गया मेरे लिए ही, सुलीब उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया, मेरा यीशु है कमाल। वो मारा गया मेरे लिए ही, वो सुलीब उठाया मेरे लिए ही, वो मारा गया मेरे लिए ही, वो सुलीब उठाया। तीसरे दिन जिंदा उठकर मौत को उसने हराया, मेरा यीशु है। जैसा कोई ताली बजा कर उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु के जैसा, यीशु के जैसा। हाथों को उठाए, आंखों को बंद करे और यीशु से कहे, यीशु तेरे जैसे कमाल के काम कोई नहीं कर सकता, यीशु तेरे जैसे सामर्थ के काम कोई नहीं कर सकता। प्रभु, जो डॉक्टर की पहुंच से बाहर है वो तू कर सकता है, जो पैसा देकर नहीं पा सकते वो तू कर सकता है, मृत्यु से भी तू जी उठा। प्रभु, तेरे जैसे कमाल के काम किसी के भी नहीं है। मेरा यीशु है कमाल का, कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु के जैसा, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु के जैसा, यीशु के जैसा। हाथ उठाए, वो खोल कर गए, यीशु तेरे जैसा कोई यीशु। हालेलुया,
यीशु अपने चेलों को लेकर प्यारो झील के दूसरे किनारे गए। झील के दूसरे किनारे जाना मतलब वहां कुछ नहीं है। सिटी से, शहर से, गांव से दूर बंजर इलाका, और वहां जब गए अचानक से चेलों को याद आता है हम खाने पीने का सामान लेना भूल गए, हमारे पास कुछ नहीं है, इलाका बंजर है, क्या खाएंगे, कैसे पूरा दिन निकालेंगे, कैसे इस इलाके पे सर्वाइव होंगे, गांव से दूर है, कुछ भी आसपास खाने पीने को नहीं है। जब चेले ये सोच रहे थे कि हम खाना भूल गए, तब यीशु उनके मन के विचार जान लेते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्या आप भूल गए, क्या भूल गए? मैंने 5,000 को खिलाया था, क्या भूल गए? मैंने वो कुछ छोटा सा जो टिफिन था, 2 मछली 5 रोटी, उससे 5,000 को खिलाया था। प्रभु दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या भूल गए? मैंने 4,000 लोगों को भी खिलाया था, एक बार नहीं 2 बार मैंने कमाल के काम किए थे। और अभी आप ये मन में सोच रहे हो कि हमारे पास खाने को नहीं, हम क्या खाएंगे? यारो हम वे लोग हैं जो यीशु के कमाल के काम बार बार भूल जाते हैं और इसलिए चिंता में डूब जाते हैं। चिंता हम पर हावी हो जाती है, निराश हो जाते हैं। हाथ उठा करके यीशु तेरे कमाल के काम में भूलू नहीं। 2 बार अद्भुत काम किए, 2 बार रोटी खिलाई, जब रोटी ही नहीं थी, खाना ही नहीं था, भरपेट 5 स्टार जैसा खाना खिलाया, लेकिन फिर भी चेले भूल गए कि वो यीशु हमारे साथ है, जिसको खिलाने के लिए रोटी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु को अपनी परिस्थिति से मजबूर मत करिए, यीशु को अपनी परिस्थिति से मजबूर न करिए, मन में ये न सोचे कैसे होगा, क्योंकि जहां कुछ नहीं हो सकता वहीं तो यीशु कमाल के काम करता है। वही तो कमाल है प्यारो, जहां संभावना नहीं है लेकिन कुछ हो जाता है, और यीशु कमाल के काम करने वाला खुदावंत है। आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर मन में आप सोच रहे हो क्या होगा, कैसे होगा? हाथ में कुछ नहीं, यीशु के कमाल के काम भूलिए नहीं। यीशु ने उनसे कहा, मैंने 5,000 को खिलाया था, 4,000 को खिलाया, आप भूल गए? क्या भूल गए? यीशु ने आपके जीवन में कितने अद्भुत काम अभी तक किए हैं, क्या आगे वो नहीं करेगा? हाथ उठाकर कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरा पूरा जीवन तेरे कमाल के कामों की गवाही बनेगा। प्रभु मेरा पूरा जीवन तेरे कमाल के काम में देखूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो कमाल के काम सिर्फ भूतकाल में करने वाला नहीं, वो कमाल के काम हर रोज करने वाला खुदावंत है। हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं। प्रभु ये अनुग्रह मुझे और हमें दीजिए कि हम आपके कमाल के काम भूल न जाए। प्रभु आपके कमाल के काम स्मरण में रखने वाला हमें बनाइए। प्रभु जब परिस्थिति हमें कहे कि अब क्या होगा, तेरे पास कुछ नहीं है, कोई आरा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं, तब हम परिस्थिति को कहे, मेरा यीशु ने अभी तक कमाल के काम किए हैं, वो आगे भी कमाल के काम करेगा। जो मैंने आंखों से देखे नहीं, जो मैंने कानों से सुने नहीं,
ऐसे कमाल के काम यीशु मेरे लिए करेगा अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज में कहे आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक आखिरी गाना प्रभु को महिमा देते हुए गाएं, वो हमारे जीवन के सफर में हमारे साथ है, मैं और आप अकेले नहीं है, उसके जैसा बेस्ट फ्रेंड माँ बाप सबसे अच्छा साथ निभाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु सम कहना चाहते हैं, प्रभु जीवन के सफर में मैं अकेला नहीं, क्योंकि तूने ये वचन दिया है जीवन के अंत तक संसार के अंत तक सदैव मैं आपके साथ हूं। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाएं। कि मैंने तुझे छुड़ाया है, तेरा नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया है, अब तू मेरा ही है, वो आपका खुदा है, आप उसके हो, आपकी हर एक चिंता उसकी है, आपका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको उसने बनाया है प्यारो, वो आपका पिता है, वो नहीं छोड़ेगा प्यारो, क्योंकि आप उसकी उत्पत्ति हो, बेस्ट रचना हो। आए उस महिमा देते हुए गाएं। तेरा रचने वाला यहोवा ये कहता है, मत डर तू, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा, दावन आपको प्रॉमिस दे चुका है प्यारो, जब तू जल में से जाए
पानी तुझे डुबा ना सकेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। नदियों से होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग से चले वो लौ वो आग तुझे जला ना सकेगी। कोई भी परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हो, ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, आपकी कोई भी हानि नहीं हो पाएगी। हाथ उठाए ऊंची आवाज में डिक्लेयर करें, मैं जिस किसी परिस्थिति में हूँ, जो भी परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ, मेरी कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। डिक्लेयर करिए, कहिए कहिए कहिए, मुख खोलिए, यीशु मेरे साथ है। आग मुझे जला नहीं पाएगी, नदियां मुझे डुबा नहीं पाएगी, पानी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी, आर्थिक परिस्थिति मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, दुष्ट लोग मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, दुष्ट आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वे मेरा खुदा मेरे साथ है। वो शेरों के मुंह बंद करने वाला खुदा है, वो समुद्र के दो भाग करने वाला, आकाश से मानना बरसाने वाला खुदा है, वो फेरों की अखड़ गर्दन को झुकाने वाला खुदा है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो मेरे साथ है, कुछ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। मिलकर गाए, जब तू जाए, जब तू जाए, जब मैं हो कर मैं तेरे संग संग रहूंगा, नदियों से हो कर चले वे तुझे डुबा सकेगी, जब तू जाए जीवन के सफर में मैं अकेला नहीं, साथ है यीशु मेरे, छोड़ेगा नहीं। आप में से प्यारों कितने लोग विश्वास करते हो कि जब यीशु मेरे साथ है मैं हर परिस्थिति से पार निकलूंगा? अगर विश्वास है तो हाथ उठाकर धन्यवाद करिए, कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, कोई परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तेरा मेरे संग संग चलना काफी है। और इसीलिए आपको पता है मूसा ने प्रभु से एक ही चीज मांगी, ये नहीं कहा प्रभु तू मेरे रास्ते को क्लियर कर दे, मेरे रास्ते में कोई तकलीफ ना आए, मुझे कोई परेशानी ना हो, कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक बात मांगी, प्रभु अगर तेरी उपस्थिति मेरे संग नहीं आते तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, प्रभु तेरा साथ मेरे साथ नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए यीशु। ये नहीं मांगा प्रभु मेरे रास्ते से हर तकलीफ दूर कर दे, मेरे रास्ते में कोई तकलीफ ना आए। उसने एक ही बात मांगी, प्रभु तू मेरे संग संग चल, तो हर रास्ता मेरे लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। यीशु का साथ आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं मांगो कि प्रभु तकलीफ ये वो सब बात में, पहले ये मांगो प्रभु तू मेरे साथ रहे, वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आए प्रभु से कहे, प्रभु तेरा साथ मेरे लिए काफी है। मूसा के समान मैं कहता हूँ, अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ ना आए मैं आगे नहीं बढ़ू, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ ना हो मैं दिन की शुरुआत ना करो, मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा जब तक तू मुझे विश्वास ना दिलाए तू मेरे साथ है, वो मैरिज के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तू मुझे ना कहे मैं तेरे साथ हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं ऐसा करूंगा जहाँ तेरी उपस्थिति ना हो प्रभु,
जहां तू बोले ये मित्रों के साथ मैं नहीं रहूंगा, अगर तू ये मित्रों के साथ जाता है प्रभु मैं ना जाऊं, मेरे लिए तेरी उपस्थिति मायने रखती है। हालेलुया। जीवन के सफर में मैं अकेला जीवन बोझ जैसा लगता है। ऑनलाइन जितने जुड़े हैं, यहां पर खड़े, आपको लगता है जीवन खत्म हो जाए तो अच्छा है। अब में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये मन में शैतान विचार डाल रहा होगा, तो ये जीवन को अंध कर दे। ये जीवन मूल्यवान है प्यारों, और ये जीवन को यीशु अद्भुत बनाएगा, क्योंकि वो आपका रचने वाला है। सिर्फ जरूर है कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंपने की, सिर्फ जरूर है मूसा के समान कहने की, जहां तेरी उपस्थिति नहीं प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तेरा साथ मेरे लिए मायने रखता है प्रभु, दुनिया भर के लोग मेरे साथ हो प्रभु, इस संसार का धन दौलत सोना चांदी मेरे साथ हो, लेकिन तू मेरे साथ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है प्रभु, तू मेरे साथ रहे प्रभु। हाथ को उठाए गए कि मन में भी आप बोलोगे यीशु सुनेंगे प्यारों, कि घर में आप कहोगे यीशु सुन रहे हैं, वो आपकी गंभीरता को देखेंगे प्यारो। अगर आप गंभीरता से आज उससे कह रहे हो, वो आपके धीरे आवाज को भी सुनेगा, और जब आप उससे कहोगे यीशु तू मेरे साथ रहे, वो आपके साथ साथ बना रहेगा, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे प्यारो, दिन और रात वो आपके संग संग चलेगा, वो आपके रास्तों को तैयार करेगा और सीधा करेगा।
जीवन के सफर ही दिया है, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपसे दूर न जाए। मूसा के समान हम आपसे कहना चाहते प्रभु, अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ न आए तो हम वहां आगे न बढ़े। प्रभु यह अनुग्रह हम पर होने दीजिए, हमारे बच्चों पर होने दीजिए, हमारे टीनेज लड़के लड़कियों पर होने दीजिए, हमारे यूथ के ऊपर होने दीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों पर होने दीजिए, हम पास्टर्स पर होने दीजिए, हम आपके दास दासी वॉलेंटियर्स हरेक पर अनुग्रह होने दीजिए। जहां आप नहीं वहां हम भी ना हो प्रभु, जहां आप ना चलो वो राह पर हम आगे ना बढ़े। प्रभु अनुग्रह पर होने दीजिए, हमें आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपका बल दीजिए इनको, इन सभी आपकी भेड़ों को और हम सब को प्रभु, कि हम जहां आप चलते हो, जहां आप साथ आओ, वहीं हम आगे बढ़े। थैंक यू आपकी इस अद्भुत प्रॉमिसेस के लिए। हमें ये चिल्लाने की कदे आवश्यकता नहीं है, ना ही थी कि ओ प्रभु तू कहां है। सोचना तो हमें चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वचन तो ऑलरेडी आपका कह देता है, प्रॉमिस दे दिया है, आप हमारे साथ ही हो और साथ रहना चाहते हो। धन्यवाद इस अद्भुत प्रॉमिसेस के लिए प्रभु। आदर मान सम्मान हम आपके चरणों में लाते, हमारी धन्यवाद की बेटों को आप कबूल करिए प्यारे पिता, मिलकर कहें आमीन।